हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा एक्सीलेंट वर्कबुक डेस्क वर्क का सेवेंथ मॉडल पेपर है। ग्रामर पोर्शन देखिए, भी इसमें सिक्स नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में कुछ वर्ब की फॉर्म दी हुई है, उनका सही प्रयोग करना है आपको। देखिए, पहला सेंटेंस है, वी अराइव्ड इन इंग्लैंड ऑन ट्यूजडे बट द प्लेन और फ्रांस ऑलरेडी है लीव। अब देखो, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी, जो एडवर्ब है। अगर मैंने पहले भी आपको एक वर्कशीट में बताया था, यहाँ पर भी देखो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है, अभी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो आप ये याद रखना, यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अभी पास्ट टेंस ही आएगा। इतना तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा। अब यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी आता है तो वो हमेशा क्या है, अभी परफेक्ट टेंस आता है। कौन सा आता है, अभी परफेक्ट टेंस, अर्थात काम हो चुका होता है। प्लेन है वो जा चुकी होती है, रवाना, लीव फॉर होता है रवाना होना, वैसे फ्रेजल वर्ब होती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, भी हेड लगाएंगे, हैज यू नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता, क्या होता है, अभी प्रेजेंट टेंस, तो आप यहाँ पर हैज यू का प्रयोग करते। पास्ट टेंस है तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करोगे, पास्ट का ही प्रयोग करोगे। पास्ट में क्या आएगा, अभी हैड, ऑलरेडी, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अभी लेफ्ट, हेड ऑलरेडी लेफ्ट। मैं इंग्लैंड पहुंचता परंतु जो प्लेन था वह फ्रांस के लिए रवाना हो गया था या हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी इट इज ए वंडरफुल डे, यह बहुत ही शानदार दिन है। वी ए ड्राइव ऑन माउंटेन्स, क्या हम एक पहाड़ों पर यात्रा के लिए चले। तो इसमें क्या है, अभी आप यहाँ पर क्या, प्रेजेंट टेंस है, तो आप यहाँ पर डू वी टेक ए ड्राइव इन माउंटेन्स, क्या हम पहाड़ों पर एक यात्रा लें या करें। इस प्रकार का डू टेक यहाँ पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे आप। द अर्थ राउंड द सन रिवॉल्व, ये प्रश्न पीछे के एग्जाम में आया हुआ है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ है, चक्कर लगाती है। कई बार यहाँ पर रिवॉल्व आता है, कई बार यहाँ पर एक वर्ब आती है मो, दोनों में से कोई आ जाए, एक ही है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, भी ये सार्वभौमिक सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, यहाँ पर ओनली क्या आएगा, अभी आपको एस लगाना है क्योंकि अर्थ एक वचन है, रिवॉल्व जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई आर यू बाइंग ए सॉप, तुम एक साबुन क्यों खरीद रहे हो। आपका उत्तर क्या होगा, अभी मैं कपड़े धोने जा रहा हूं। यहाँ पर भी कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अभी कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो आई के साथ में क्या आएगा, अभी एम, गो में आई एन जी जोड़ दो, गोइंग, आई एम गोइंग टू वॉश माई क्लोथ्स, मैं मेरे कपड़े धोने जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, भी रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। दो सेंटेंस आएंगे दो नंबर के, द टीचर सेड गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स, अध्यापक कहते हैं कि अच्छे बच्चे होते हैं उनको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। यहाँ पर ओट टू आया हुआ है, शुड भी आ सकता था। अब देखिए, भी वाक्य कर्ता से स्टार्ट हुआ है तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो द टीचर का क्या जाएगा, भी टीचर, अब सैड टू नहीं दिया हुआ ना, तो आप सैड का क्या रखो, भी सैड ही रखोगे, टोल्ड में चेंज नहीं करोगे। सैड दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, भी दैट का। अब गुड बॉयज का क्या जाएगा, अभी गुड बॉयज मॉडल है, मॉडल चेंज नहीं होता है। ओट टू का जाएगा, अभी ओट टू ओबे देयर इल्डर्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप सेम का सेम लिख दोगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको ग्रामर समझ में नहीं आता हो तो हमारा JR क्लासेज ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
या प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए, वहां पर कोर्स है वो आप लर्न कीजिए। शी सेड टू हिम डोंट डिस्टर्ब मी, उसने मुझसे कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये क्या अभी इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है। डू नॉट वाले वाक्यों को आप दो प्रकार से बना सकते हो। एक तो आप सेट टू के स्थान पर करोगे फॉरबिड, फॉरबिड करोगे तो यहाँ पर डू नॉट पूरा पूरा हट जाएगा। अगर यहाँ पर ये ऑर्डर भी दिया जा रहा है, ऑर्डर्ड करोगे तो डू हटेगा, नॉट नहीं हटेगा। ये याद रखना, मैं दोनों तरीके से बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कहेगा अभी सी सेट टू आप चेंज कर दो फॉरबिड में। फॉरबिड का अर्थ ही होता है मना करना। सी फॉरबिड हिम, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू आता है इंपेरेटिव सेंटेंस में, ये तो आपको पता ही है। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मी चेंज होगा सी के अनुसार हर। एक तो ये तरीका है, इसमें ओनली टू लगाना है, डू नॉट है वो हटाना है, फॉरबिड आ जाएगा। अगर आप फॉरबिड की जगह आप करते हो ऑर्डर्ड, सी उसने ऑर्डर भी तो दिया ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऑर्डर्ड या चेतावनी दे सकते हो, वारंट कह सकते हो, डब्ल्यू ए आर एन ई डी वारंट, चेतावनी दी हिम। अब यहां पर देखो अभी डोंट में डू हटेगा, नोट नहीं हटेगा, एंड नोट है ना वो टू से पहले आएगा, ये भी याद रखना। या अगर ऑर्डर्ड करोगे, वारंट करोगे तो टू से पहले नोट लगाना पड़ेगा, फिर ये सेम का सेम लगा दोगे। डिस्टर्ब हर, सी ऑर्डर्ड हिम नोट टू डिस्टर्ब हर, क्योंकि वाक्य नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना जरूरी है, ये खुद नेगेटिव वर्ड है तो आप यहाँ पर नोट नहीं आएगा। अगर पेपर में ये फॉरवर्ड लगाया हुआ मिल जाए आपको तो आप यहाँ पर नोट मत लगाना, ऑर्डर्ड मिल जाए तो आपको नोट लगाना है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वी फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या होते हैं भी कंजक्शन होते हैं। यहाँ पर मिलेंगे आपको नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये मिल जाए तो आप इसमें दो कर्ता होते हैं, एक ही होता है, एक ही होता है, तो आप हमेशा इस कर्ता के हिसाब से क्रिया लगाओगे, बाद वाले क्रिया के हिसाब से। नाइदर नोर में, आइदर और में, नॉट ओनली बट आल्सो में बाद वाले कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, तो आई के साथ में क्या आता है अभी एम आएगा, क्या आएगा अभी एम, नाइदर ही नोर आई एम रेडी। अगला क्वेश्चन है द केटल, अब केटल या पुलिस ये दोनों क्या होते हैं अभी प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ में क्या आएगा अभी आर आएगा, क्या आएगा अभी आर, ग्रेजिंग इन द फील्ड, केटल पुलिस पीपल ये करता आ जाए, ये प्लुरल होते हैं, इनके साथ में हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आया हुआ है अभी, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको, एवरीबॉडी विल हैव फॉरगॉटन दैट बाय टुमारो, कल तक सभी इसको भूल चुके होंगे। अब देखो भी एवरीबॉडी करता है इसमें अंदर, विल हेल्पिंग वर्ब हैव फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म है, दैट ऑब्जेक्ट है, बाय टुमारो टाइम है, तो ऑब्जेक्ट हो गया बनाना है अभी, सब्जेक्ट क्या लिखोगे अभी दैट, ये फ्यूचर परफेक्ट में है तो चेंज हो जाएगा विल हैव के साथ में, आप लोग क्या जोड़नी पड़ेगी भी हैज के साथ में बीन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं भी बीन, पैसिव में थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फॉरगॉटन, दैट विल हैव बीन फॉरगॉटन बाय टुमारो, बाय टुमारो कल तक। अब यहां पर बाय एवरीबॉडी लिखने की आवश्यकता नहीं है, दैट विल हैव बीन फॉरगॉटन बाय टुमारो, लिखना चाहो तो आप यहां पर लिखोगे By everybody, क्योंकि ठीक है तुरंत वर्ब के बाद में लिख दोगे, नहीं लिखना चाहो तो people हुआ, we हुआ, everybody हुआ, ये नहीं लिखा, लगभग क्या होता है भी by लगाकर हम नहीं लिखते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माने जाते हैं ये। अगला है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, फ्रेमिंग क्वेश्चन है, ही गेव एन एडवाइस टू बॉय, उसने लड़के को एक सलाह दी, किसने मना टू हुम, किसे दी, उसने सलाह किसे दी, लड़के को दी, ये छोड़ दो, इसे किसने मनाओ, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है अभी सेकंड फॉर्म है, कर्ता कौन है अभी ही है, तो सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर एलपी वर्ब क्या यूज करेंगे अभी डिड,
फर्स्ट फॉर्म होती तो डू डज का प्रयोग करते, सेकंड फॉर्म तो डिड लगाएंगे। कर्ता कौन है अभी? ही। अब यहाँ पर डिड आ गया तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। टू होम डिड ही गिव एन एडवाइस, उसने सलाह किसे दी? भी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भी ये लड़के को दी। अगला क्वेश्चन है एड क्वेश्चन टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, नथिंग कैन हैपन, कुछ घटित नहीं हो सकता। तो इसमें देखो भी ये नेगेटिव सेंटेंस है, नथिंग नथिंग आ जाए नन आ जाए तो इनमें आगे आप क्या करोगे? भी नोट का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि नोट पहले आ चुका है। तो आप यहाँ क्या करोगे? भी कैन। अब घटित कुछ के लिए क्या होगा? भी इट, कैन इट, क्या ये हो सकता है? ऐसे सेंटेंस में कैन इट आपका आंसर होगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।